तो आज हम करने वाले हैं 21,000 वाली घड़ी की अनबॉक्सिंग। सबसे पहले आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो चल रहा है बड़ी वॉचेस का, जिनके अंदर हमें मेटेलिक स्ट्रैप मिल जाता है। तो आज हम वही करने वाले हैं, एक लग्जरी स्मार्ट वॉच का ऑनेस्ट ओपिनियन। ऑनेस्ट इसलिए क्योंकि मैंने इस घड़ी को सिर्फ रिव्यू करने के लिए अमेज़न से ऑर्डर किया है, ये मुझे किसी ब्रांड ने नहीं भेजी। तो खुल के बात करेंगे इसके ऊपर। देखो सबसे पहले इसका जो बॉक्स मिल जाता है ना, वो कुछ ऐसा मिलता है हमें। बाहर धोनी भाई की फोटो लगी हुई है एंड साइड पे वही फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन वगैरह, लेकिन बॉक्स में हमें वही सेम इसका चार्जर, कुछ किताबें और अपनी घड़ी मिल जाती है। एंड देखो अमेज़न चॉइस की स्मार्ट वॉच है एंड इसका जो प्राइस है, इसकी जो MRP है ना, वो पूरे 21,000 रुपए है, लेकिन इसका जो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है वो है 2,500 रुपीज। जब ये लॉन्च हुई थी तब इसका प्राइस था 3,500 रुपीज। तो आज के हिसाब से ये वर्थ इट है या फिर नहीं, ये हमें वीडियो में पता चल जाएगा। एंड इसके दो कलर आते हैं, सिल्वर एंड दूसरा ब्लैक, जो कि अपने वाला मॉडल है। अब देखो वॉच की जो लुक एंड फील को चेक करें ना, तो एकदम भारी भरकम घड़ी है ये। एकदम मोटा मोटा सा इसका डायल है और साइड में हमें दो बटन मिल जाते हैं, जो कि दोनों के दोनों बटन पुश बटन हैं। इसकी जो सारी बॉडी है ना, वो मेटल की है, बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है एंड शॉक प्रूफ के साथ आती है। मेटल के 22mm वाले स्ट्रैप्स मिल जाते हैं। एंड देखो इसका जो ऊपर वाला बटन है ना, वो यूज होता है मेन मेन्यू के लिए। बटन प्रेस करके अपना मेन्यू आ जाता है एंड देन किसी भी ऑप्शन से हम होम स्क्रीन पे आ सकते हैं। निचले बटन से अपनी वॉच सीधा वॉलपेपर है जो इसका, वो आ जाता है बैक करके, एंड उसी के साथ ही मेन स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। देन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला वॉलपेपर दिख जाता है हमें। वॉच में दो माइक मिलते हैं, एक तो वॉच की राइट साइड पे है, देखो माइक यहाँ पे है इसका, एंड दूसरा माइक है वॉच के टॉप पे चेन के पास। देखो जिस भी घड़ी के अंदर आपको दो माइक मिल रहे हैं ना, उससे अपना जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है ना, वो काफी ज्यादा बढ़िया मिल जाता है। बाकी इसका कैसा है वो तो हम आगे वीडियो के अंदर चेक करेंगे। अपनी वॉच की लेफ्ट साइड पे दो छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, जो कि स्पीकर के हैं, एंड बैक साइड पे अपने सेंसर्स आ जाते हैं। एंड इसकी जो बैक है ना, वो प्लास्टिक की है। एंड देखो यार, इसके ऊपर ना कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जो कि 60 से शुरू के 240 तक है, एंड वैसे ही इतने विजिबल भी नहीं है, लेकिन अगर आप पूरे ध्यान से पकड़ के देखोगे ना कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, फिर जाके समझ आता है। एंड देखो अपनी जो वॉच है ना, वो प्योर मैट फिनिश के अंदर आ जाती है, लेकिन इसके ऊपर की जो बाउंड्री है ना, वो थोड़ी शाइन में मिलेगी हमें। ओवरऑल दिखने के अंदर ना एकदम शानदार घड़ी लगती है, मतलब जैसे इसका नाम है ना लक्स एडिशन, लग्जरी स्मार्ट वॉच, तो वो चीज ना पूरी फील होती है इसके अंदर हमें। देखो इसकी जो डिस्प्ले है ना, वो हमें मिल जाती है 1.43 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले, एंड इसके अंदर हमें AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दिया गया। एंड इसकी जो रेजोल्यूशन है ना, दैट इज 466x466 पिक्सल्स, ब्राइटनेस है 600 निट्स की। एंड इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर है, आप उसे डिस्प्ले सेक्शन में ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। दो स्टाइल के अंदर लॉक हो जाती है अपनी स्मार्ट वॉच, एनालॉग वॉच है एंड साथ में डिजिटल वॉच। AOD को ऑन एंड ऑफ करने के लिए ना, सबसे पहले सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले सेटिंग के अंदर AOD क्लॉक ओपन करके AOD अभी शट डाउन है, देन ओके। दो ऑप्शंस मिलती है, डिजिटल एंड एनालॉग। एंड देखो इसकी जो डिस्प्ले है ना, वो काफी बड़ी है, ब्राइट है डिस्प्ले एंड बड़ी भी है। एंड इसका जो टच एक्सपीरियंस है ना, वो भी मुझे एकदम ही स्मूथ मिला। एंड अगर इसकी स्क्रीन को ऐसे बिना कुछ भी यूज करे छोड़ देंगे ना, फिर ये मैक्स 30 सेकंड्स के अंदर ऑन रहेगी। उसके बाद इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला वॉलपेपर है ना, वो आ जाएगा। देखो इसके अंदर हमें IP68 वाटर रेटिंग मिल जाती है। वॉच पे पानी वगैरह गिरने में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, बिंदास चलती है अपनी स्मार्ट वॉच। ब्रीथ ट्रेनिंग की एप्लीकेशन दे रखी है। 19 इसके अंदर हमें स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं, जो कि इनबिल्ट है। और इसके अलावा अगर हम स्पोर्ट्स मोड्स को कस्टमाइज करना चाहें, तो उसका भी ऑप्शन दिया गया, थ्रू एप्लीकेशन हम वो चीज कर सकते हैं। वेदर अपडेट्स मिल जाती है, कैलकुलेटर हो गया, वॉइस असिस्टेंट, रिस्ट टू वेक फीचर हो गया, रिस्ट को ऊपर करने पे वॉच की डिस्प्ले ऑन एंड ऑफ हो जाती है, वो चीज मिल जाती है हमें। फाइंड माय फोन फीचर है, अलार्म लगा सकते हो, स्टॉप वॉच है, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इसके अंदर हमें सारे हेल्थ ट्रैकिंग के सेंसर्स भी दे रखे हैं, लाइक SPO2 मॉनिटर हो गया, हार्ट रेट मॉनिटरिंग होगी, स्टेप काउंटिंग वगैरह, ये सब कुछ। और एक और चीज है कि अपनी स्मार्ट वॉच से हम फोन के म्यूजिक को चेंज कर सकते हैं, प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। अब देखो इसकी ना मैंने SPO2 की एक्यूरेसी चेक करी और रिजल्ट्स काफी एक्यूरेट थे। देन हार्ट रेट भी चेक किया, उसके भी रिजल्ट्स गलत नहीं थे। बट स्टिल आई वुड से इसे मेडिकल इक्विपमेंट बिल्कुल मान के नहीं चलना हमने, बिकॉज ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, लाइक हाथ पे वॉच अच्छे से फिट हो रही है और भी काफी फैक्टर्स होते हैं। तो मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आप अपनी स्मार्ट वॉच को ना सिर्फ और सिर्फ हेल्थ ट्रैकिंग की एक्यूरेसी के लिए बाय कर रहे हो ना, फिर आप स्मार्ट वॉचेस को बाय मत करना। मूविंग ऑन, ये अपनी वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करती है, वॉच से कॉल्स को डायल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट में जाके सेव्ड कॉन्टैक्ट्स भी कर सकते हैं और जिसे मर्जी हम कॉल भी कर सकते हैं। डिस्प्ले पे कॉल को रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है हमें, म्यूट करने का भी मिल जाता है। एंड इसकी जो कॉल क्वालिटी है ना, वो काफी बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बैटरी लाइफ भी इसकी एक्चुअली काफी बढ़िया है, सिंगल चार्ज पे ना आराम से एक हफ्ते तक का बैकअप मिल जाता है विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग, और कॉलिंग के साथ अराउंड 2 दिन तक चल जाती है। देखो फायरबोल्ट डैगर लक्स का जो UI है, वो काफी सिंपल है एंड स्मूथ है। इतना भी ज्यादा स्मूथ नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमें 60Hz की डिस्प्ले नहीं मिलती, लेकिन एक और चीज है कि जिटरी भी नहीं लगता, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़िया और हो सकता था। इस बटन से मेन्यू ओपन हो जाता है अपना, लेफ्ट से स्वाइप करने पे एक्सेस हो जाता है। 3 मेन्यू ऑप्शंस हमें वॉच के अंदर मिल जाते हैं। एक ऐसा बड़े आइकन है जिसके अंदर
एंड सेकंड के अंदर हमें राउंड डिजाइन के अंदर मिल जाता है एंड थर्ड वाला ऐसा है जिसके अंदर हमें छोटे छोटे आइकन्स मिल जाते हैं। ऊपर से ड्रॉप डाउन करके ना सेटिंग में मेन्यू स्टाइल जाके हम चूज कर सकते हैं। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो बॉक्स के बैक से ना हम स्कैन करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से फिट क्लाउड प्रो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं मिल जाती। लॉन्ग प्रेस करके चार इनबिल्ट वॉच फेसेस मिलती हैं, कोई सा भी चूज कर सकते हैं उसके अंदर हमें। और बाकी ऐड करने के लिए हमें एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी, उसके अंदर तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब कंक्लूजन की बात करें तो देखो मेरे अकॉर्डिंग ना 2500 के अंदर एकदम दी बेस्ट स्मार्ट वॉच रहेगी आपके लिए। मतलब हर एक फीचर मिल जाता है इसके अंदर हमें। एंड देखो फीचर तो मिलता ही है, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है ना एंड सारे फीचर्स एकदम बढ़िया से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर हमें। लेकिन अगर हम इसकी लुक्स की बात करें ना, मेटालिक थोड़ा सा तो हैवी लगता है, लेकिन एकदम ही बढ़िया फील आती है पहनने के बाद। ओवरऑल वॉच काफी बढ़िया, सारे फ्लैगशिप फीचर्स मिल जाते हैं। एमोलेड डिस्प्ले दे रखी है यार, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रही है, IP68 है, शॉक प्रूफ है अपनी स्मार्ट वॉच, बढ़िया फ्लैगशिप डिजाइन वाली। मुझे इसका जो यूआई एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ हो सकता था मेरे अकॉर्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट दी बेस्ट स्मार्ट वॉच रहेगी आपके लिए 2500 के अंदर ना, हाईली रिकमेंडेड है, गो फॉर इट। एंड इसका जो बेस्ट पाइलिंग का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड कौन सी स्मार्ट वॉच का आपको रिव्यू चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।